लोकसभा के हमने प्रभारी आज से 2.5 महीने पहले नियुक्त कर दिए थे। संयुक्त तौर पर उन प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होंगे पहली लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को हम अनाउंस करेंगे और जो 3 सदस्य राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी संगठन के साथ जाने के लिए जिम्मेवार लगाए थे अगर वो अपनी चर्चाओं में कामयाब होते तो ज़रूर उस पर निकर्ष किया जाएगा, नहीं तो पूरी तौर पर जननायक जनता पार्टी तैयार है कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़े। बैठकें चल रही है, कल रोहतक थी, आज सिरसा के प्रत्येक हल्के की है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश की 18 जिलों की बैठकें हो चुकी है और 2-3 दिनों के अंदर बचे हुए 4 जिलों को भी कवर कर लिया जाएगा और इसी उद्देश्य के साथ है कि संगठन बूथ लेवल पर या एक बूथ 10 यूथ के माध्यम से संगठन को ताकत दे, वहीं दूसरी ओर पर सदस्यता अभियान को प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर तक ले जाकर चाहे वहाँ हमारी माताएं बहनें हों उनको भी पार्टी के अंदर हिस्सेदारी दिलवाने का काम करें। उस कमेटी का सदस्य नहीं हो, अगर कोई चर्चा चल रही है तो वो 3 लोग निर्धारित हैं जो कोई भी निर्णय गठबंधन पे। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं उस सदस्य कमेटी का सदस्य नहीं हूँ कि अगर सीटों की बात आती है, मैंने तो चंडीगढ़ में भी कहा था कि अगर हमें कोई एक कदम सैक्रिफाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा नेशनल इंटरेस्ट में, मेरे ख्याल से जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति तैयार रहेगा। मगर हाँ, अगर जननायक जनता पार्टी किसी भी उस पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो मुझे लगता है उसका म्यूचुअल रिकन्सिलिएशन निकालना कि कोई वेरिफिकेशन अभी तक पब्लिश नहीं हुई, सिर्फ चर्चाएं हैं कि डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है तो जो लोग अपने आप को चौकीदार बोलते थे, अगर चौकीदार के सोते हुए चोरी होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बहुत लंबे समय से मांग हो रही है इस पूरे विषय पर कि JPC बनाई जाए या इसको पब्लिक किया जाए डॉक्यूमेंटेशन को। अगर ये विषय हैं तो ये गंभीर बातें हैं, बहुत बड़े लेवल की ये डील थी। नाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का भी आ रहा है कि उनको 1000 करोड़ का मुनाफा दिया गया। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर गंभीरता के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और हमारे कोर्ट्स को भी इसको लुक इनटू करना है। जांच तो देखिए उछले तो उछले स्तर की होनी थी और अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश से इस चीज़ को मॉनिटर करवाना।